बीजेपी के अध्यक्ष जो छत्तीसगढ़ में, वो क्या कह रहे हैं जरा सुनते हैं। छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव के रुझान जो है वो आने लगे हैं, लेकिन नेक टू नेक फाइट जो है वो अभी भी देखी जा रही है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं छत्तीसगढ़ बीजेपी के अध्यक्ष अरुण साव जी। अरुण जी, कभी बीजेपी आगे, कभी कांग्रेस आगे, कभी बीजेपी पीछे, क्या चल रहा है एकदम नेक टू नेक फाइट? देखिए, अब ये आंकड़े अब स्थिर होने वाले हैं। पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है, कांग्रेस के कुशासन का अंत होने वाला है। मोदी जी की गारंटी छत्तीसगढ़ की जनता को मिलने वाली है। जीत का कॉन्फिडेंस जो है वो आप में साफ तौर पे जो है वो अभी फिलहाल देखने को मिल रहा है, लेकिन क्या ये कक्का ब्रांड, जिस तरीके से कहा जा रहा था कि 60 के पार जाएंगे, भूपेश बघेल ने 75 के पार की भविष्यवाणी कर दी थी। देखिए, कांग्रेस के दावों को तो एग्जिट पोल ने ही झूठला दिया था, और छत्तीसगढ़ की जनता तो पहले ही भूपेश के चेहरे और कांग्रेस की सरकार को नकार चुकी है, और अब मतगणना में स्पष्ट रूप से कांग्रेस के कुशासन का अंत होने वाला है, कमल खिलने वाला है। छत्तीसगढ़ की अंबिकापुर सीट से डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव पीछे। टीएस सिंहदेव भी पिछड़ गए हैं, बहुत बड़ी खबर आपको बता दें, उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव भी पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कांग्रेस के लिए बिल्कुल भी अच्छा संकेत नहीं कहा जा सकता है। और फिलहाल जो रुझान है उसके मुताबिक 3 राज्यों में बीजेपी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है, जबकि 1 में कांग्रेस, यानी क्या ये सेमीफाइनल मुकाबला बीजेपी ने 3-1 से जीत लिया है। कौन सा फैक्टर छत्तीसगढ़ में चला है, ये एक बड़ा सवाल होगा। ABP News आपको रखे आगे।